हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के इस ट्यूटोरियल में। और आज हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड इफेक्ट के बारे में। ये काफ़ी ट्रेंडिंग इफेक्ट्स है और इसको कोरेलड्रॉ में कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मली इमेज से आप इस तरीके का इफेक्ट आपने देखा होगा, इस तरीके का बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं आप में इस तरीके का इफेक्ट उन पर बैनर्स पर देखा होगा। तो इसको हम कैसे, ये वेक्टर है पूरी तरीके से, आप इसको कैसे बना सकते हो कोरेलड्रॉ में, तो इसको मैं बनाने के लिए सबसे पहले से डिलीट कर देते हैं। और आपको जो भी पोर्ट्रेट, आपको जो भी इमेज थ्रेशोल्ड जो इफेक्ट है उस पर अप्लाई करना है वो आपको इंपोर्ट करनी है। तो आप इंपोर्ट के लिए कंट्रोल आई या फिर आप ड्रॉप एंड ड्रैग मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। डेस्कटॉप पे एक इमेज है और मैं इसको ऐसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ कोरेलड्रॉ के अंदर, ठीक है। और आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए इसकी, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपसे वो इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आप डुप्लीकेट आपके सेफ्टी के लिए रहेगी सिस्टम में। तो आप इसको, अब क्या करेंगे आप इसको इमेज को लेने के बाद, इसमें इंपोर्ट करने के बाद, अब आप जाएंगे विटमैप पे। विटमैप पे आने के बाद आपको मोड को करना है ब्लैक एंड वाइट वन बिट, या आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट वन बिट, इस पर आपको करना है क्लिक, ठीक है। यहाँ आपको ये जो पैनल है ये आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ आपको कन्वर्जन जो मेथड है आपको इसको हाफ टोन से इसको आपको करना है फ्लाई आउट, इसे एक्सपेंड करना है, इसे खोलना है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका लाइन आर्ट, जब लाइन आर्ट करेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितना भी थ्रेशोल्ड जो है आपको कितना भी वो मिलेगा, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने देखिए, आप उसको जब कम करेंगे तो आपको जो वाइट वाला पार्ट है वो कम दिखेगा और ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा सा दिखेगा। तो आप उसको, तो इसकी जो अमाउंट है आपको उसको बढ़ाना है धीरे धीरे, और आपको रिजल्ट देखना है, ठीक है। इतना बढ़ाने पर आपको ये रिजल्ट विजिबल होता है। और आप इसको थोड़ा जूम कर लें अपनी इमेज को, इस पर आप क्लिक करेंगे और एक बार और क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे रिले, आप माउस का रिले बटन से भी इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको करीब और कर लेता हूँ 135, बस इतना, ठीक है। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा या कम थोड़ा सा कर सकते हो। इसके बाद आपको करना है ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अभी आप इसको अगर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप इसको, आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी ये चलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी से कलर में यूज़ करते हो तो आप इसको, उसका जो ब्लेंडिंग मोड है आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये अच्छा प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हो इन फ्यूचर, आपको ये वैक्टर में चाहिए, तो आपको करना क्या है, आप ट्रेस बिट मैप पर आएंगे। ट्रेस बिट मैप में आप आउटलाइन ट्रेस पे क्लिक करना है, और जो लास्ट में है हाई क्वालिटी इमेज आपको उस पर करना है क्लिक। यहाँ आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, जैसे कि आपको जो भी मिलेगा जी डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये जो लास्ट पॉइंट है इतना होना चाहिए, इसमें उतनी को तो आप थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। और कॉर्नर्स को आपको नहीं छोड़ने हैं। यहाँ आपको दो चीज़ मिलती है, रिमूव बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड जो है रिमूव कर देनी, इस पर चेक लगाना है, और डिलीट ओरिजिनल इमेज, क्योंकि इसके पीछे जो इमेज आएगी आप अनग्रुप करोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए आपको ओरिजिनल जो इमेज है आपको यहाँ डिलीट कर देनी है। इसलिए मैंने आपको डुप्लीकेट करवाई थी कि अगर आप ये, अगर आपका इफेक्ट ख़राब हो जाता है तो आपको दोबारा से इम्पोर्ट, इमेज को इम्पोर्ट ना करना पड़े। फिर अगली जो सेटिंग है वो है आपका रिमूव कलर फ्रॉम इंटायर इमेज, ठीक है। ये देखिए आप इसके लिप्स पे देख सकते हैं, यहाँ ये देखिए जो लिप्स है, देखिए लिप्स और जो फेस है यहाँ वाइट कलर विजिबल हो रहा है, तो आप इसको भी अगर हटा देंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको रिमूव कलर फ्रॉम इंटायर इमेज इस पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे वो जो वाइट कलर था वो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ आप इसकी कर्व देख सकते हैं, इसमें नोट्स कितने हैं और कलर टू, जो कि सिंगल कलर का बना है तो उसमें दो कलर हैं ब्लैक और वाइट। अब आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से वेक्टर बन चुका है, और ये अच्छा रिजल्ट ब्लैक कलर में देता है। मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरीके का ये देखा होगा, इसको हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे कैनवास बनाइए अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इनके जो नेशनल का कलर है थोड़ा सा पैसे रखिए, ठीक है। मैं इसका जो पेज है वो बड़ा कर लेता हूँ, और लॉक आप यहाँ एक नई चीज़ सीख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो अगर आप इसको ऐसे बड़ा करते हैं पेज को, तो इमेज भी जो है स्ट्रेच होगी, वो फैल जाएगी बड़ी चौड़, मतलब उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, इमेज का जो रेशो है वो ख़राब हो जाता है। इस स्थिति में आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ आपको करना है लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब आपको सिर्फ कैनवास का साइज बड़ा करेंगे आप, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ इनका जो भी स्लोगन है,
पेज अप कर लीजिए और ऐसे आपने देखा होगा इस तरीके से ये चीज़ लिखी होती है। आप इसका जो लीडिंग स्पेस है उसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए कितना इफेक्टिव लग रहा है, एक न्यू क्रिएटिव सा भी लग रहा है, और अगर आप इसका बहुत लार्ज प्रिंटिंग पे निकालते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और क्रिएटिव भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।